समन्वयक जीविका। फिर से बोलिएगा तो। मेरा नाम गौतम कुमार, क्षेत्रीय समन्वयक जीविका। अच्छा, यहाँ आप क्या कार्यक्रम लेकर के आए हैं? यहाँ कोविड 19 का वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। ये वैक्सीनेशन 18+ जिनका उम्र 18+ और 45+ जिनका उम्र हो चुका है वो वैक्सीनेशन करवाएंगे यहाँ का। जिनकी उम्र 18 साल हो गई है जी, हाँ। और 45 साल तक है जी, जी। वो यहाँ जो है वैक्सीनेशन लेंगे। वैक्सीनेशन लेंगे। आप ये कार्यक्रम कब से शुरू किए? आज का यहाँ शेड्यूल है, आज का यहाँ हर दिन अलग अलग पंचायत में शेड्यूल रहता है। तो आज 14 तारीख है, आज का यहाँ का शेड्यूल था कुआगढ़ी मध्य विद्यालय। कितने बजे से कार्यक्रम यहाँ शुरू? 11 बजे से। कितने बजे इसको अंत कीजिएगा? 4 बजे तक। तो अभी तक जो है आपने कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया? अभी 20 लोग का हो गया है, वैक्सीनेशन हो चुका है 20 लोगों का 18+। अच्छा, ये लिस्ट पहले से बना हुआ है या जो लोग उपस्थित होते हैं उसको आप मैंने टीका लगवाते हैं? दोनों काम होता है। पहले से भी जो जीविका के सीएम यहाँ काम कर रही है वो पहले से भी लिस्ट उपलब्ध करवा चुके, वो भी लोग आ रहे हैं। बाकी जो जीविका से नहीं जुड़े हैं वो भी आ रहे हैं। जो लोग आ जाते हैं उनको आप मैंने उनको भी टीका लगा देते हैं। जिसका एज आ रहा उसके अंदर 18+ या 45+ उसमें आ रहा। ये तो अच्छी बात है, सरकार ने ये सुविधा दी है। नहीं तो हर जगह तो होता है कि रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन के बाद भी भीड़ लगती है, फिर भी लोग टीका नहीं ले पाते हैं। आप लोगों का यह प्रयास जो है बहुत अच्छा है। और आपके साथ कौन कौन है? ये हमारे जीविका स्टाफ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, आप क्या सहयोग करते हैं इसमें? हम भी मतलब सीएम लोग को मोबिलाइज करते हैं, सबको कल लिस्ट ले लेते हैं, जितना भी लिस्ट होता है फिर उन हिसाब से हम लोग वैक्सीन उपलब्ध कराते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अनीता कुमारी। आप क्या करती हैं? एंट्री करती हैं। आपका क्या नाम हुआ? पुनीता कुमारी। आप क्या करती हैं? वैक्सीन देते हैं कोविशील्ड का। आप वैक्सीन देती हैं? वैक्सीन देने में कोई परेशानी तो आपको नहीं होती है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जो वैक्सीन लेते हैं उनको कोई परेशानी होती है क्या? किसी को होती है, नहीं तो नहीं। अच्छा, वैक्सीन जो लेगा उसके बाद इसका कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ता है क्या? हल्का फीवर आता है। हल्का फर्का फीवर, और क्या होता है? और क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है जो वैक्सीन लेने वाला है, कोई बोलता है दर्द होता है, कोई। हाँ, उसके मैंने शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है। हाँ, किसी को भी पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। आप लोगों के लिए, आप लोगों ने यह सुविधा दिया करके यहाँ लोगों को, लोग भी जागरूक हैं कि अपना वैक्सीनेशन करा लेंगे। संग्रामपुर मार्केट लोग नहीं जा पाते हैं, दूर पड़ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं कुआगढ़ी स्कूल में एक कैंप आज के दिन लगाया जाए ताकि यहाँ के क्षेत्रीय लोग अधिक से अधिक इसमें इन्वॉल्व हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुप्त न्यूज की ओर से छविलाल झा आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और आपने यह कार्यक्रम आदर्श उच्च विद्यालय कुआगढ़ी में ला करके और वैक्सीनेशन का काम जो किया, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम है। इसी तरह से आप घूम घूम के जहाँ भी आपका क्षेत्र है वहाँ लोगों को आप टीका दिलवा दें। ठीक है, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। सहयोग चाहिए, बहुत जो नए आदमी समझ रहे हैं। नहीं, हम लोग भी जो है पब्लिक को मैसेज आप क्या देंगे? जी जी, आप लोग भी इसको फैलाइए बात को कि वैक्सीन लग रहा है हर जगह 18+ या 45+। आप लोग का ही काम रहा, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है हम लोग की, वैक्सीन लेना नहीं चाह रहा है बहुत आदमी। ठीक ना, धन्यवाद। आप लोग का काम है मीडिया का। धन्यवाद।